हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर नेक्स्ट लेक्चर इन द क्लाइमेटोलॉजी सीरीज। आई होप आपको पिछला लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ कीप राइटिंग टू अस, विल श्योरली लुक इन टू योर फीडबैक। तो टुडे इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एयर मासिस। एयर मास क्या होते हैं, कैसे उनका इम्पैक्ट होता है ग्लोबल एनवायरनमेंट पे, कैसे उनके कोलिजन के कारण, डिफरेंट डिफरेंट एयर मासिस के कोलिजन के कारण जो है डिफरेंट वेदर पैटर्न्स, जो एटमोस्फेरिक जो फिनोमिना है वो क्रिएट होते हैं इन फॉर्म ऑफ योर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जो साइक्लोन्स का पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बट इन दिस लेक्चर वील स्टडी अबाउट एयर मासिस। एयर मासिस किस टाइप के होते हैं, क्या उनका इफेक्ट होता है, और आपके जो फ्रंट्स एयर मास के टकराने पर जब फ्रंट्स बनते हैं तो उनके बारे में हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ आर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ फील फ्री to contact us for any of the details of these paid courses, will surely help you out. तो एयर मासिस का फंडा बिल्कुल सिंपल है कि एयर मासिस आर लार्ज एयर पार्सल्स, इतने लार्ज कि उनका जो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट है इट मे बी इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, और वर्टिकली दे मे राइज टिल लोअर स्ट्रेटोस्फेयर और हायर ट्रोपोस्फेयर अराउंड 10-12 किलोमीटर की हाइट तक। तो इतना बड़ा एयर पार्सल हो कोई जो कि एक रीजन के ऊपर काफ़ी टाइम तक रहे, और उस रीजन पे रहने के बाद जो उसकी लोअर लेयर है, सपोज ये आपका एयर मास है, और बड़े रीजन के ऊपर से आपका डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, उसमें बहुत बड़े काफ़ी टाइम तक ये एयर पार्सल यहाँ पे रहा, तो नीचे की जो उसकी लेयर है वो उस सोर्स रीजन की, उस रीजन की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर कर लेता है। तो अगर रीजन हॉट है जैसे कि सहारा डेजर्ट, तो ये नीचे से गर्म हो जाएगा, और अगर आपका पोलर रीजन जैसे अंटार्कटिक या आर्कटिक, तो एयर मास जब वहाँ पे रहेगा तो नीचे जब सोर्स रीजन नीचे ठंडा है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो अब इसमें थोड़ा सा जो क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ लार्ज पार्सल ऑफ एयर एक्सटेंडिंग ओवर एन एरिया ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड राइजिंग अप टू टेंस ऑफ किलोमीटर्स। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का एरिया उसका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंस है एंड टेंस ऑफ किलोमीटर उसकी हाइट है। विच स्टेज ओवर एन एरिया फॉर अ सफिशियंटली लॉन्गर टाइम इट एक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया। वो उस एरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर कर लेता है। द रीजन कैन बी ओशियन, पोलर रीजन और डेजर्ट, वो कोई भी रीजन हो सकता है। एयर पार्सल जो है इतना उसको एरिया चाहिए इतना बड़ा, और उस टाइम तक, कुछ टाइम तक के लिए स्टेबिलिटी चाहिए वहाँ पे वो रुका रहे। तो इट इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो नीचे तो क्या होता है कि सारा बिल्कुल वो नीचे अपने सोर्स रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर कर लेता है, तो देयर आर लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस, बट एज वी मूव अप तो वो तो आपको पता ही, लैप्स रेट जैसे होता है तो टेम्परेचर जो है और प्रेशर मॉइस्चर जो है वो वेरी करता रहता है, बट हॉरिजॉन्टली देर आर वेरी लिटिल वेरिएशन एट पर्टिकुलर एल्टीट्यूड। अगर ये 1 किलोमीटर की हाइट पे तो सेम कंडीशंस होंगी, 2 किलोमीटर की हाइट पे थोड़ा डिफरेंस होगा, बट इस हाइट पे पर्टिकुलरली सेम कंडीशंस आपको मिलेंगी। तो द होमोजीनियस सरफेसेस ओवर विच एयर मासेस फॉर्म आर कॉल्ड दिस सोर्स रीजन्स। जैसा मैंने बोला कि सोर्स रीजन कहते हैं उनको। अब सोर्स रीजन के जो हमारे होते हैं वो 5 तरह के हो सकते हैं। वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर एक गर्म होता है काफ़ी बड़े एरिया में, तो जो एयर मासिस वहाँ पे रहेंगे एक्सपेंस उनका बहुत बड़ा होता है। दे आर ऑल्सो रनिंग इन टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस, फिर सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स जैसे कि आपका सहारा डेजर्ट, देन रिलेटिवली कोल्ड हाई लेटीट्यूड ओशंस जो आपके जैसे आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है अराउंड 60-70 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, वो क्योंकि वहाँ पे पानी ठंडा होता है कंपैरेटिवली काफ़ी आपके जो सब ट्रॉपिकल ओशन के कंपैरेटिवली, तो दे आर कोल्ड सोर्स रीजन्स। देन वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन हाई लेटीट्यूड जो आपके आर्कटिक एंड अंटार्कटिक हैं, सॉरी स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स जैसे साइबेरिया और आपका रशिया है, नॉर्थ रशिया, वो आपके हो गए, और देन कम्प्लीटली आइस कवर्ड आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। तो ये आपके 5 तरह के जो है सोर्स रीजन होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे अलग अलग आपके जो है एयर मासेज जो है वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। 2 तरह से क्लासिफिकेशन होती है। M स्टैंड फॉर मेरीटाइम अगर वो ओशियन के ऊपर रहे, एंड C स्टैंड फॉर स्मॉल सी, इट स्टैंड फॉर कॉन्टिनेंट अगर वो कॉन्टिनेंट के ऊपर रहे। देन T स्टैंड फॉर ट्रॉपिकल, P स्टैंड फॉर पोलर। तो
आपकी पांच वेरिएशन इसमें आ जाती हैं, एम टी और एम पी, सी पी एन, सी टी, और एक आती है कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, जो आपके पोलर रीजन से जो आते हैं उनको अलग से एक अलग क्लासिफिकेशन दी गई है, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। तो मेरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मेरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर एंड देन कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, ये पांच आपके एयर मास टाइप होते हैं। मेजर मेजर स्पीसीज से ज़्यादा आपको डिटेल में इनके इफेक्ट, अब क्योंकि जो ऑप्शनल स्टूडेंट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि कौन सा रीजन स्पेसिफिक में कौन सा जो इम्पैक्ट करेगा कौन सा एयर मास, बट फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ इसके कुछ फिनोमिना है जो आप जिसमें आप क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर मासेज ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, और एक पर्टिकुलर जैसे नॉर्थ अमेरिका का या इंडिया का कुछ इस तरह से कुछ पूछ सकते हैं। मेनली इंडिया का ही पूछेंगे कि वी आर कंसर्न विद इंडियन क्लाइमेट, तो उसमें फिर दो तीन आप पूछ सकते हैं, जैसे आपका आपका विंटर सीजन में नदर्न हेमिस्फेयर में बहुत ठंडी हवा चलती है जो कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मास से जो आती है, जो अमेरिकन लैंड मास है नॉर्थ अमेरिका का, कनाडा का, वहाँ पे टेम्परेचर कुछ रीजन्स में -40 -50 डिग्री तक पहुँच जाता है। इट्स नॉट एवरी ईयर बट इट हैज़ हैपन ओवर इट हैपन फ्यू ईयर्स अगो, और नॉर्मली -30 -35 तो पहुँच ही जाता है रेगुलर बेसिस पे। बफेलो रीजन है यूएस में, यू कैन गूगल, तो वहाँ पे होता है, तो वो एयर मास के कारण होता है। आपका एयर मास आता है ठंडा जो पूरे क्लाइमेट को जो है ठंडा वहाँ पे कर देता है, वार्म एयर वहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है पूरे तरीके से। फिर आपका जो आता है एयर मास, एक होता है जो इंडिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं वो एयर मास, जो आपका वार्म एयर मास, मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास होता है आपका, मेरीटाइम मीन्स ओशन, ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिकल रीजन, और इंडिया में जब ये मूव करता है तो इट ब्रिंग्स हाई रेनफॉल, और ये मानसून सीजन में भी देखने को मिलता है, एयर मासेज जब इधर मूव करते हैं तो रेनफॉल, मानसून रेनफॉल रेनफॉल आती है, और ये साइक्लोन्स, इससे साइक्लोन्स आते हैं। और एक फाइनल चीज़ जो हम पढ़ेंगे, जब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास आपस में टकराते हैं तो उससे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। साइक्लोन्स जब मिलते, एयर मास जब मिलते हैं तो क्या होता है, तो तीन आप ये मेजर मेजर जो क्लासिफिकेशन याद कर लीजिए, या फिर साइबेरिया जो रीजन है आपका नॉर्दर्न रशिया का जो, और साइबेरियन रीजन है वहाँ पे भी ऐसे ही बहुत ठंडा एयर मासेज जो आते हैं, और आप क्योंकि वो लैंड मास बहुत बड़ा है तो लैंड बहुत जल्दी ठंडा होता है, तो टेम्परेचर वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको जो है मिलता है, सबसे ठंडे जो प्लेस मिलते हैं वर्ल्ड के वो आपको पोल्स पे नहीं मिलते, वो आपको रशिया साइबेरिया रीजन में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंड मास ज़्यादा होने के कारण से और ठंड का इफेक्ट ज़्यादा फील होता है। तो ये आप तीन चार एग्जांपल्स याद रख लेंगे तो आपका जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एयर मास का जो क्वेश्चन है कवर हो जाएगा, ये अभी 2-3 साल पहले आया भी था, एंड दीज टॉपिक्स साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एयर मास, ये कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं, या इनके एप्लीकेशन बेस देख लेंगे कि साइक्लोन का क्लासिफिकेशन क्या होती है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं हम साइक्लोन्स को, तो वो क्वेश्चन जो है वो रिसाइकल होते रहते हैं ओवर एंड ओवर अगेन। तो दिस इज़ अबाउट द एयर मासेस। अब एयर मास से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आता है हमारा फ्रंट। अब जब दो एयर मास, अभी स्पेसिफिक केसेस हम देखेंगे बट जनरली क्या है, दिस इज़ अ वार्म एयर मास, दिस इज़ अ कोल्ड एयर मास, ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं एंड व्हेन दे मीट, तो इन दोनों का जो बाउंड्री रीजन है, दिस रीजन, दिस बाउंड्री रीजन, दिस इज कॉल्ड अ फ्रंट। तो फ्रंट इज द जोन क्रिएटेड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर मासेस, सॉरी इट इज नॉट फ्रंट, इट इज एयर मासेस व्हेन दे मीट। इसका क्या होता है कि इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड इतना नहीं होता, इट्स लाइक अ सिंगल थ्री डायमेंशनल शीट, एक जैसे आपका पेपर है, दो बुक्स के बीच में एक पेपर रख दिया तो वो फ्रंट बन जाता है, दो बुक्स को आप एयर मास इमेजिन कर लीजिए, तो उसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड इतना ज़्यादा नहीं होता, वो पतली सी एक फ्यू किलोमीटर्स ओनली एक जोन होता है, बट उसका वर्टिकल एक्सटेंड होता है वो ऊपर से नीचे तक पूरा, दोनों दोनों जो एयर मास को सेपरेट करता है, तो दैट इज़ अ फ्रंट। तो फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रंट इज कॉल्ड फ्रंटोजेनेसिस, और पूरा जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है फ्रंट बन के उसको कहते हैं फ्रंटोलिसिस, इट इज़ द ब्रेकिंग और डिसिपेशन ऑफ द फ्रंट्स। ये जनरली आपको जो फ्रंट्स हैं ये मिड लैटीट्यूड और हायर, थोड़ा हायर लैटीट्यूड्स की तरफ ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो एयर मास हैं आपके, अब आपका जो इक्वेटर रीजन है
यहाँ पे आपके मैरीटाइम ट्रॉपिकल और कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल एयरमा जो वार्म है वो होते हैं, और जो आपके पोलर रीजन है वहाँ पे कॉन्टिनेंटल, और जो हायर लैटिट्यूड रीजन तो कॉन्टिनेंटल पोलर एंड मैरीटाइम पोलर, ये आपके जो रीजन्स हैं ये मिलते हैं। तो ये दोनों, ये इस तरफ चलता है, ये इस तरफ चलता है, दोनों ये मीट करते हैं समवेयर इन दी मिडल लैटिट्यूड्स, 60-65 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, 45-60 डिग्री, 30-60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, थोड़ा सा ज़्यादा रेंज है उसकी, बट जनरली वो उसी रेंज में मिलते हैं। तो दे आर मोस्टली फॉर्मड इन मिड लैटिट्यूड्स व्हेन कोल्ड एंड वार्म एयर फ्रंट्स ट्रेवलिंग टुवर्ड्स इक्वेटर्स एंड पोल्स रिस्पेक्टिवली। जैसे मैंने बताया, कोल्ड आपका जो एयर मास है वो इक्वेटर की तरफ जाता है, और जो वार्म एयर मास है वो पोल्स की तरफ जाता है, मीट ईच अदर, हेंस दे आर नॉट फाउंड जनरली इन ट्रॉपिक्स एंड पोलर रीजन्स। तो ट्रॉपिक्स और पोलर रीजन्स में जनरली ये फ्रंट्स नहीं बनते हैं, मेनली मिड लैटिट्यूड रीजन में ही बनते हैं। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक जो एयर मास की होती है, फ्रंट्स की होती है, खास तौर पे जब एयर मास ये मीट करते हैं, ये आपस में मर्ज नहीं होते। ये एक ऐसे नहीं है कि दो हवा चल रही है और आपस में भिड़ गई, वो मिक्स हो गई, नहीं, ये एक एयर मास एक बलून की तरह हो जाता है। जैसे एक बलून है, एक बलून आप में पानी भरिए, दूसरे में पानी भरिए, एक में रेड कलर का, एक में से ब्लू कलर का, तो जब दोनों बलून टकराएंगे तो वो पानी मिलेगा नहीं, वो पानी अलग ही रहेगा बाउंड्री रीजन पे। मतलब अगर सपोज एक छोटा सा पिन होल आप कर दें बलून में, तो थोड़ा थोड़ा पानी उनमें मिल जाएगा, वो हो सकता है, बट मोर और लेस पानी जो है बलून्स का वो अलग ही रहेगा, इट विल बी सेपरेट। तो एयर मासेज में भी यही होता है, बलून की तरह से हवा होती है, वो सेपरेट ही रहते हैं, छोटे छोटे चंक्स मिलने शुरू होते हैं थोड़े थोड़े टाइम पे, बट वो जनरली मिलते नहीं हैं, दे स्टे कम्प्लीटली सेपरेट एयर मासेस। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद व्हेन वन एयर मास इज कम्प्लीटली अपलिफ्टेड बाय द अदर, जनरली वार्म एयर मास ही होता है जो ऊपर की तरफ चला जाता है, बींग लाइटर वार्म एयर तो वो लाइट होती है, द फ्रंट क्विकली डिसिपेट्स एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रंटोलिसिस। इसको फ्रंटोलिसिस कहते हैं। तो फ्रंटोजेनेसिस टिल फ्रंटोलिसिस इज द साइकिल। तो कोरियोलिस इफेक्ट इसमें, अब इसमें भी आता है, तो नर्दर्न हेमिस्फेयर में इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फेयर में इट इज़ क्लॉकवाइज फ्रंट जो बनता है, और हवा की मूवमेंट जो होती है। तो ये एक कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है। तो फ्रंटल एक्टिविटी में क्या होता है कि क्योंकि एयर की मूवमेंट होती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है, तो कहीं ना कहीं क्लाउड वगैरह भी आते हैं, जो डिपेंड, अभी हम पढ़ेंगे कौन से क्लाउड्स आते हैं, जो क्लाउड का एक टॉपिक है प्रॉपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड, वो हम अगले अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट फॉर द क्लैरिटी ऑफ दिस लेक्चर हम इसमें पढ़ेंगे कि बेसिक बेसिक तौर पे एक दो क्लाउड्स को देखेंगे कि ये क्लाउड्स बनते हैं, और उसमें रेनफॉल और प्रेशर वेरिएशन कैसे होती है, टेम्परेचर ठंडा होता है, गर्म होता है, कैसे होता है, वो सारा हम उसमें इसी लेक्चर में थोड़ा सा देख लेंगे क्लैरिटी के लिए। तो क्या होता है कि मोर और लेस जो होता है इसमें चेंजेस जो होते हैं टेम्परेचर के और प्रेशर के चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। तो अब आता है हमारे टाइप्स ऑफ फ्रंट। तो पहले तो एक चीज़ देख लीजिए कि फ्रंट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट, ओक्लूडेड फ्रंट, ये क्या होते हैं, ये विल टेल यू। कोल्ड फ्रंट सबसे पहले क्या होता है कि एक लाइन और ट्राइंगल्स जो होते हैं, ये ऐसे कोल्ड फ्रंट हम रिप्रेजेंट करते हैं इन सेम डायरेक्शन। वार्म फ्रंट होता है उसको हम अगर सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दीज आर दी वार्म फ्रंट्स। स्टेशनरी फ्रंट में ऊपर की एक तरफ को आपके वार्म फ्रंट का सिंबल और एक तरफ आपका कोल्ड फ्रंट का सिंबल, और ओक्लूडेड फ्रंट में जब दोनों सिंबल एक ही तरफ हम बना दें, दिस इज योर सेमी सर्कल, दिस इज योर ट्रायंगल, तो ये ओक्लूडेड फ्रंट होते हैं। अभी क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका स्टेशनरी फ्रंट। तो फ्रंट कब बनता है, जब दो एयर पार्सल एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। तो जब दोनों मूव करते हैं और कोई भी एयर पार्सल जो है डोमिनेंट नहीं होता, दोनों आपस में टकराते हैं, टकराते रहते हैं, पर ज़्यादा अफेक्ट कोई नहीं होता किसी पे भी, तो दैट इज कॉल्ड अ स्टेशनरी फ्रंट। व्हेन टू एयर मासेस मीट बट आर अनेबल टू पुश और मर्ज विद ईच अदर, अ स्टेशनरी फ्रंट इज फॉर्म्ड। तो स्टेशनरी फ्रंट का आपका जो है ये सिंबल है। तो विंड मोशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फ्रंट इज पैरेलल टू द फ्रंट, तो विंड पैरेलली मूव करती रहती है। सिंस द एयर मास स्टॉप मूविंग हैंस द नेम स्टेशनरी फ्रंट, बट लेटर ऑन इट बिकम्स अ वार्म और कोल्ड फ्रंट। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग फेज है कि जब दो एयर मास मिले, दिस इज वार्म, दिस इज कोल्ड, और स्टेशनरी फ्रंट बन गया, बट लेटर ऑन ये कोल्ड या वार्म कोई एक फ्रंट जरूर बनता है, डिपेंडिंग ऑन विच एयर मास इज डोमिनेंट।
तो ये नीचे एक डायग्राम है, इसको थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, क्योंकि वार्म कोल्ड और ये ऑक्लूडेड फ्रंट, ये दो फ्रंट तीन फ्रंट दिखा रहे थे, ये स्टेशनरी फ्रंट नहीं दिखा रहे, तो इसको हम आगे देखेंगे। अब आता है आपका पहला टाइप ऑफ मेजर फ्रंट, विच इज ए कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है कि कोल्ड एयर इज डोमिनेंट, कोल्ड एयर मास इज डोमिनेंट देन दी वार्म एयर मास। तो जब वो कोल्ड एयर आती है वार्म एयर की तरफ, तो क्योंकि कोल्ड एयर की टेंडेंसी है नीचे स्टे करने की, बींग हैवियर डेंसर सरफेस पे रहने की, और वार्म एयर है उसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की। तो क्या होता है कि आपका जब ये दोनों आपस में टकराते हैं, तो बहुत क्विकली कोल्ड एयर जो है वो वार्म एयर को कम्प्लीटली डिस्प्लेस करके ऊपर एटमोसफेयर में पहुंचा देती है, बहुत सडन होता है। तो आप इसको अगर आप यहाँ देखेंगे, दिस इज़ योर विंड डायरेक्शन, सेकेंड फिगर में देखेंगे इसमें, दिस इज़ योर विंड डायरेक्शन, कोल्ड एयर जो है इस तरफ जा रही है। ये कोल्ड एयर फ्रंट जो है इसका स्लोप जो है बहुत ज़्यादा है, एकदम से ये हवा जो है ऊपर की तरफ पहुंच जाती है। पहली चीज़ आपकी हो गई ये। इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि सपोज एक हाथी है, तो छोटे छोटे जानवर उसके आगे सामने आ गया और हाथी गुस्से में आ जाएगा तो सभी को एकदम से पटक देगा और आगे बढ़ जाएगा, वो सभी को उसके वो उसको वो किसी की बॉदर बॉदर करेगा ही नहीं किसी को भी, तो बहुत क्विकली वो सब खत्म कर देगा। तो इट कैन बी रिलेटेड टू दैट एग्जाम्पल। और हवा बहुत जल्दी से ऊपर मूव करती है, क्योंकि अब इसमें हवा बहुत जल्दी से ऊपर मूव करते हैं, टेम्परेचर चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें क्या होता है कि क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनते हैं। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स वी विल स्टडी इन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, वो होते क्या है कि उनका जो एक्सपेंस है वो नियर टू द सर्फेस और ट्रोपोस्फेयर के मैक्सिमम हाइट, ट्रोपोपोज तक जाता है। तो दिस इज़ द क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। ये बारिश, थंडर स्टॉर्म्स, टोर्नेडोज लेके आते हैं, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, थंडर स्टॉर्म और टोर्नेडो क्या होते हैं ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेदर सिस्टम एसोसिएटेड विद इट। और क्या होता है, क्योंकि आप वार्म एयर है और नीचे एकदम से कोल्ड एयर आके सेटल हो गए सारे में, तो टेम्परेचर एकदम से ठंडा हो जाता है, बारिश एकदम बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी देर के लिए होती है पर बहुत ज़्यादा होती है एकदम से। तो दिस इज़ अबाउट दी कोल्ड फ्रंट। अब कोल्ड फ्रंट का डायग्राम आपने ये देख लिया है, ये कोल्ड फ्रंट का डायग्राम है, ये कोल्ड फ्रंट का एग्जाम्पल मैंने समझा दिया कि स्लोप जो है इसका एकदम से बहुत स्टीप होता है, एकदम एकदम से उठा के कोल्ड एयर वार्म एयर को जाए ऊपर की तरफ फेंक देता है, तो स्लोप बहुत ज़्यादा इसका हाई आता है। अब पढ़ेंगे हम वार्म एयर फ्रंट। वार्म एयर फ्रंट में क्या होता है कि वार्म एयर इज़ फास्टर, मोर डोमिनेंट, बट इसका बाय एग्जाम्पल जो है वही हाथी और छोटे छोटे जानवरों का एग्जाम्पल लीजिए कि बहुत सारे छोटे छोटे जानवर हाथी पे अगर अटैक कर देंगे तो हाथी इतना बॉदर फिर भी नहीं करेगा, वो उसको उनको बॉदर नहीं करेगा, वो रेस्ट करने की कोशिश करेगा, बट एट ए टाइम आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम हाथी थोड़ा सा फिर फील इरिटेटेड और सभी को फिर उठा के फेंक देगा। तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ी देर के लिए वो उसको परेशान करेंगे भी, बट इन दी एंड हाथी जो है वो सब कुछ अपनी फेवर में कर लेगा। तो ये कोल्ड एयर फ्रंट के साथ भी, कोल्ड एयर मास के साथ भी आपका यही होता है कि वो वार्म एयर उसमें थोड़ी देर तक तो पुश करती है उसे, बट इन दी एंड क्योंकि वार्म एयर की टेंडेंसी ही ऊपर जाने की है, कोल्ड की टेंडेंसी नीचे रहने की है, तो वार्म जो एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है टुवर्ड्स अपर ट्रोपोस्फेयर, और कोल्ड एयर जो है नीचे रह जाती है। अब इसका एग्जांपल देखें, वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है, वार्म एयर अब क्या मूव कर रही है, स्लोप देखिए कितना जेंटल है, क्योंकि काफ़ी देर तक कोशिश करती है कि वो नीचे रहे, इसको उठाने की कोशिश करती रहती है, बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम ये धीरे 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 ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर आपका ज़्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि पहले भी यहाँ पे कोल्ड एयर थी, अभी भी यहाँ पे कोल्ड एयर है, बट कुछ वार्म एयर का इफेक्ट होना लगता है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है कई बार। और क्लाउड्स जो है आप यहाँ देखेंगे, स्ट्रेटस, निम्बस, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स और आपके सीरस क्लाउड्स बनते हैं, और ये अलग अलग टाइप ऑफ क्लाउड्स हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो हल्की हल्की इसमें बारिश भी होती है, क्योंकि हवा ऊपर जब जाएगी ठंडी होगी, और ठंडे होने से पानी कंडेंस होके वो नीचे गिरेगा, तो थोड़ी सी इसमें बारिश भी होती है। और एक जो क्लाउड्स होते हैं सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स के, क्या होता है कि अगर आपका सन है तो सन के अराउंड एक चारों तरफ एक हेलो दिखाई देता है, जैसे मतलब एक दिव्य प्रकाश उसको कह सकते हैं, कि वो एक सेकंड सर्कल अराउंड द सन ऐसे दिखाई देता है। तो दिस इज अबाउट अ वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट का डायग्राम ये है, इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखेंगे कि जब, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ेंगे ये सिंबल्स आपको दिखाई देंगे, इसी से आपको सारी स्टोरी समझनी है। तो ये आपका
वार्म कोल्ड फ्रंट, ये आपका वार्म फ्रंट का डायग्राम हो गया। अब आता है मेजर, जो सबसे मेजर जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज योर ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में स्पेशल और कुछ नहीं होता, ऑक्लूडेड फ्रंट ही सबसे पहले बनता है। बट ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, आपके एक एयर फ्रंट, एयर मास नहीं, आपके दो फ्रंट बन जाते हैं। पहले एक बार हम सिंबल देख लेते हैं। ऑक्लूडेड फ्रंट का सिंबल ये है, दोनों ट्राइंगल और सेमी सर्कल एक ही डायरेक्शन में हो, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, अभी हमने एक एग्जांपल, अभी जो हमने कोल्ड और हॉट एयर मास करे, उसमें हमने एक चीज़ देख ली कि कोल्ड एयर मास ट्रेवल्स मच फास्टर, क्योंकि वो इतना डोमिनेंट होता है कि वो वार्म एयर को एकदम से ऊपर उठा देता है, तो उसकी स्पीड पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोल्ड एयर मास इज फास्टर, वार्म एयर मास इज स्लोअर। तो अब इसमें आप पहला डायग्राम ये वाला देखेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस सीक्वेंस में देखेंगे। फर्स्ट में क्या हो रहा है कि आपकी ये कोल्ड एयर, ये दिस इज योर पोलर रीजन, दिस इज योर इक्वेटर रीजन। पोलर रीजन से हवा यहाँ पे आई, इक्वेटर रीजन से हवा इधर गई, तो आपका नदर्न हेमिस्फेयर है ये, नदर्न हेमिस्फेयर में इमेजिन करके चलेंगे इसको, तो ये राइट में डिफ्लेक्ट होकर कोल्ड एयर इधर आ गई, ये वार्म एयर डिफ्लेक्ट होकर इधर मूव कर गई। तो दिस इज़ योर वार्म एयर, दिस इज योर कोल्ड एयर। अब क्योंकि ये एयर मास जो है मिल गए यहाँ पे, ये एक दूसरे से इतनी इजीली मर्ज नहीं करते, तो एक स्टेशनरी जो आपका एयर फ्रंट है वो बन जाएगा। इसको देखिए, स्टेशनरी एयर फ्रंट का इन्होंने सिंबल यहाँ बनाया होगा, एक स्टेशनरी एयर फ्रंट बन जाएगा कि दोनों एयर मूव, एक दूसरे को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कोई डोमिनेंट है नहीं, तो आपका जो है स्टेशनरी एयर फ्रंट बन गया। धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये और थोड़ा सा एयर एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, तो क्या होता है कि थोड़ा सा और फ्रंट बनना शुरू होता है, तो इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाती है कोरिओलिस फोर्स के कारण। एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर क्या होता है कि आपका इस रीजन में आप देखेंगे, क्योंकि वार्म एयर इधर मूव कर रही है, कोल्ड एयर इधर मूव कर रही है ड्यू टू कोरिओलिस फोर्स, ये जो आपका रीजन है यहाँ पे वार्म फ्रंट बन जाता है। वार्म एयर डोमिनेंट है वार्म फ्रंट में, बट ऊपर जा रही है फिर भी, और कोल्ड एयर में तो कोल्ड एयर डोमिनेंट और वार्म एयर को ऊपर कर ही रही है, तो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बन जाता है। इसको डायग्राम को लेट मी जस्ट क्लियर दिस, ये आप देखेंगे, ये दिस इज वार्म एयर फ्रंट एंड दिस इज कोल्ड एयर फ्रंट, ये आपके दो फ्रंट बन जाते हैं। कोल्ड एयर यहाँ मूव करती है, वार्म एयर यहाँ मूव करती है, बट दोनों केसेस में जहाँ जहाँ वार्म एयर ऊपर रही है। अब क्योंकि कोल्ड एयर क्या होती है, कोल्ड एयर फ्रंट मैंने बताया कि ज़्यादा क्विकली मूव करते हैं वार्म एयर फ्रंट से, तो धीरे धीरे ये कोल्ड एयर फ्रंट जो है इस गैप को कवर करता है और वार्म एयर फ्रंट से मिल जाता है। ये देखिए, ये गैप यहाँ पे कम होता जा रहा है, यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो एट ए टाइम क्या होता है कि वार्म एयर जो है फिफ्थ स्टेज तक पहुँचते डायग्राम तक पहुँचते आपकी वार्म एयर कम्प्लीटली सरफेस से कट ऑफ हो जाती है और पूरी तरह से ऊपर पहुँच जाती है, और आपका जो कोल्ड एयर है वो इस डायग्राम में भी देखेंगे नीचे पूरा आ जाती है, और ये वार्म एयर ऐसे ऊपर पहुँच गई, पूरी तरह से कट ऑफ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एन ऑक्लूडेड फ्रंट। अब आप ये इसको देखेंगे, पहले यहाँ पे ये दो फ्रंट है, ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है। जैसे और थोड़ी सी रोटेशन होने लगी, ये इसको और डोमिनेट करने लगा, आप इस पार्ट को देखेंगे यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर, आप इस पार्ट को देखेंगे, जब यहाँ पे आपका ऑक्लूडेड फ्रंट थोड़ा सा बनना अभी स्टार्ट हुआ है, बट ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है, और इस डायग्राम में यहाँ क्या हुआ है, आपका ऑक्लूडेड फ्रंट और ज़्यादा बन गया, और कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट के बीच में जो गैप है वो कम हो गया और वार्म एयर ऊपर जानी स्टार्ट हो गया। फाइनली क्या होता है कि वो एक एक पूरा फ्रंट बन जाता है, ऐसे ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाता है पूरा आपका, और वार्म एयर पूरी ऊपर चली जाती है। एंड अब क्या होगा, क्योंकि फ्रंट आपका बना ही इसलिए था कि टेम्परेचर का डिफरेंस था दोनों एयर पार्सल का, अब नीचे सरफेस पे पूरा कोल्ड एयर मास है, ऊपर पूरा वार्म एयर मास है, टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो गया सरफेस पे, तो आपका जो फ्रंट है वो डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ योर फ्रंटोलिसिस। तो ये आपका साइकिल है ऑक्लूडेड फ्रंट की, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेशनरी फ्रंट टिल द एंड ऑफ योर फ्रंटोलिसिस। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस एक्सप्लेनेशन को अगर आपको पहली बार में समझ ना आए तो उसको बार बार देखिएगा, बहुत सिंपल है बट ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। तो अब थोड़ा सा इसमें
पीछे देखते हैं कि इसकी थ्योरी क्या थी, इट इज़ फॉर्म व्हेन अ कोल्ड एयर फ्रंट ओवरटेक्स अ वार्म एयर फ्रंट। जैसे मैंने आपको बताया कि कोल्ड एयर फ्रंट जो है वार्म एयर फ्रंट को ओवरटेक कर लेते हैं और वार्म एयर को पूरे तरीके से ऊपर भेज देते हैं। वार्म एयर इज फोर्स्ड अपवर्ड्स, इट हैपन्स बिकॉज अ कोल्ड फ्रंट ट्रेवल्स फास्टर देन अ वार्म फ्रंट एंड कम्प्लीटली लिफ्ट द वार्म एयर फ्रॉम द ग्राउंड लीडिंग टू बिगिनिंग ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्टार्टिंग हो जाती है। इट कैन बी अ वार्म और अ कोल्ड टाइप फ्रंट ऑफ ऑक्लूजन। ये इसमें कोल्ड फ्रंट भी ज़्यादा डोमिनेंट हो सकता है या वार्म फ्रंट भी डोमिनेंट हो सकता है, बट दोनों फ्रंट होते हैं इसके अंदर। द वेदर एंड क्लाउड्स एसोसिएटेड विद एन ऑक्लूडेड फ्रंट इज अ मिक्स टाइप, इज बोथ टाइप्स ऑफ फ्रंट्स आर इन्वॉल्व। क्योंकि दोनों तरह के फ्रंट होते हैं, तो क्यूमुलोनिम्बस, सिरस, निम्बोस्ट्रेटस, हर तरह का जो क्लाउड है वो इनमें फ्रंट्स में देखने को मिलता है। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रंट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है जो इट इज़ नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू योर टॉपिक, बट नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहेंगे। आपको आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि एक दिन में बारिश होगी, दो दिन बाद बारिश होगी? कई जगह पे तो कुछ जैसे फॉर्मूला वन आपका स्पोर्ट है, वहाँ पे बारिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो ये भी प्रिडिक्ट हो जाता है कि इतने मिनट में बारिश होगी। वो प्रिडिक्शन कैसे होती है, किस कौन सा पैरामीटर वो साइंटिस्ट देखते हैं जिससे उनको आइडिया लग जाए कि बारिश होगी? क्योंकि पानी को अगर देखेंगे क्वांटिटी हवा में मेज़र करने की कोशिश करेंगे हायर एल्टीट्यूड पे, तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बारिश हो जाएगी। मैंने जैसे पहले बताया था कि पानी को हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए बारिश होने के लिए। तो एक कौन सा पैरामीटर है जिससे वो डिसाइड करते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, वेदर स्टेबल रहेगा अनस्टेबल रहेगा? तो दैट कॉन्सेप्ट इज़ योर लैप्स रेट। अब लैप्स रेट को कैसे यूज़ करते हैं वो लोग, इसका पहले एक चीज़ और देखते हैं। एक आपकी नॉर्मल एयर है ओपन, एक आपका एयर मास है। एयर मास जैसे मैंने आपको बताया बलून की तरह है, इसमें बाहर की हवा अंदर नहीं जाती, अंदर की हवा बाहर नहीं जाती। अब नॉर्मल आपके केस में क्या होता है, लैप्स रेट दो तरह का होता है, एक होता है एडियाबैटिक, एक होता है डायबैटिक। एडियाबैटिक लैप्स रेट में क्या होता है, जो एयर मास के अंदर जब बाहर से कोई मिक्सिंग ना हो, जब आपका एयर मास ऊपर जाएगा तो ये ठंडा होगा, तो ये आपका इसके अंदर कंप्रेशन होगा और ये छोटा हो जाएगा साइज में। और जब ये नीचे की तरफ अगर ट्रैवल करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये इसको मॉलिक्यूल्स को वर्क करना पड़ेगा टू रिटेन द टेम्परेचर, तो ये अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे और टेम्परेचर जो है ये इसका जो साइज़ जो है बढ़ जाएगा बलून का। तो ये आपका एडियाबैटिक और एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है। डायबैटिक लैप्स रेट नॉर्मल होता है कि उसमें कोई भी एयर मिक्सिंग होती रहती है, तो नॉर्मल आप जब ऊपर जा रहे हो तो जैसे हमने पढ़ा था 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है, दैट इज़ योर डायबैटिक लैप्स रेट और एनवायरमेंटल लैप्स रेट। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट और डायबैटिक लैप्स रेट का। तो अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझेंगे कि कैसे साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि एयर आपकी स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी। नाउ सपोज दिस इज योर ग्राउंड लेवल 0 डिग्री सेल्सियस, ग्राउंड लेवल 0 किलोमीटर ऑफ हाइट, दिस इज योर 1 किलोमीटर हाइट, दिस इज 2 किलोमीटर, दिस इज 3 किलोमीटर। यहाँ पे आपका एक एयर पार्सल है, इसमें उससे पहले एडियाबैटिक लैप्स रेट जब हमने पढ़ा उसमें दो तरह के लैप्स रेट हो जाते हैं, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट एंड वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट में क्या होता है कि जब हवा में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, तो जितना ज़्यादा आपका हवा ड्राई होगी उतनी ही आपका लैप्स रेट जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट करते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट में क्या होता है कि हवा जैसे ही ऊपर जाती है ठंडी होती है, ठंडी होके जो उसके अंदर वाटर वेपर है वो कंडेंस होके पानी बन जाता है, पर जो कंडेंस होने के ठंडा होता है वो अपनी हीट को रिलीज़ कर देता है इन फॉर्म ऑफ लेटेंट
हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये हम जब ड्यू पॉइंट वगैरह और बारिश के बारे में हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेनफॉल उसमें पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, बट फिलहाल ये याद रखिए लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये लेटेंट हीट जो रिलीज होती है, तो अगर आपका नॉर्मल लैप्स रेट था 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, तो इस हीट रिलीज होने के कारण ये टेम्परेचर लैप्स रेट रह जाता है 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। कि अगर आप 1 किलोमीटर हाइट पे जाओगे तो 6 डिग्री की जगह 5 डिग्री ही टेम्परेचर आपका गिरेगा, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गिरेगा, और वहाँ पे बारिश हो जाएगी क्योंकि पानी जो है कंडेंस हो गया था। तो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है कम होता है नॉर्मल लैप्स रेट से, और ड्राई एडियाबेटिक में क्योंकि ड्राइनेस होती है, बिल्कुल पानी होता ही नहीं है हीट रिलीज होने के लिए, तो आपका इट इज़ अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। समटाइम्स डिपेंड करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट इट इज़ अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जैसे जैसे हाइट आपकी बढ़ेगी। तो अब हम इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो इसको थोड़ा डायग्राम को एक बार दोबारा बनाते हैं। सरफेस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर्स। अब आपका यहाँ पे एक एयर पार्सल है, तो जब तक इसमें बारिश नहीं होगी ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के हिसाब से मूव करेगा, क्योंकि एडियाबेटिक लैप्स रेट तो होगा और अंदर पानी नहीं है तो ये ड्राई ही रहेगा। तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, अब आपका सपोज सरफेस टेम्परेचर जो है, आपका सरफेस टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर भी यहाँ पे 30 डिग्री होगा, क्योंकि एयर मास जैसे बताया सोर्स रीजन का टेम्परेचर ले लेता है, और नॉर्मल टेम्परेचर भी उसके आउटसाइड भी 30 डिग्री होगा। अब एक चीज़ लेके चलते हैं कि आपका एनवायरमेंटल लैप्स रेट या डायबेटिक लैप्स रेट है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, जो हमने नॉर्मल पढ़ा था। आपका ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो है अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो अब इस केस में क्या होगा कि सपोज यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर है आउटसाइड भी और इनसाइड भी, जब हम 1 किलोमीटर की हाइट पे पहुँचेंगे इसका टेम्परेचर क्योंकि DALR के हिसाब से घटेगा, इट इज़ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी 24 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये एनवायरमेंट लैप्स रेट के हिसाब से घटेगा। अब आप देखिए कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है आउटसाइड का, आपका ये एयर पार्सल यहाँ पे है, इसका टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा इसके कंपेरिजन में ठंडा है, तो इसकी हैवी रहेगा, ये नीचे आने की टेंडेंसी रहेगी इसकी, ये ज़्यादा ऊपर मूव ही नहीं करेगा, कितना भी पुश करने की कोशिश कर लें ये ऊपर मूव ही नहीं करेगा। तो इससे साइंटिस्ट को पता चलता है कि एयर इज़ वेरी स्टेबल, हवा बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एंड द एयर मास इज़ रेजिस्टिंग एनी चेंज इन हाइट, तो बारिश होने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या होती है आपकी कि DALR इज़ ग्रेटर देन एनवायरमेंटल लैप्स रेट। उसके अपोजिट एक सेकेंड सिनेरियो क्या होता है कि सपोज आपका DALR जो है कहीं पे कम है, से इट इज़ एनवायरमेंट लैप्स रेट, आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपका एनवायरमेंट लैप्स रेट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस और ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस है DALR से है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसमें यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेते हैं समझने के लिए, तो ये 30 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर की हाइट पे क्या होगा आपका एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ये आपका 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब ये क्या है, यार इससे कंपैरेटिवली गर्म है तो इसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की। फिर हम 2 किलोमीटर हाइट पे देखेंगे ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री सेल्सियस। अब सपोज आपका ड्यू पॉइंट है 5 डिग्री सेल्सियस का, 5 डिग्री ड्यू पॉइंट इज एट अ पॉइंट टेम्परेचर वेयर वाटर कंडेंसिस इनटू वाटर वेपर कंडेंसिस इनटू वाटर। तो इसको हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, फिलहाल के लिए ड्यू पॉइंट को ऐसे समझ लीजिए कि जिस पॉइंट पे वाटर कंडेंस हो जाता है। तो जब हम इससे ऊपर चलेंगे, ये आपका एयर पार्सल है, ये टेम्परेचर आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस विच इज़ लोअर देन योर ड्यू पॉइंट, और ये आपका टेम्परेचर हो जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी टेंडेंसी अभी भी ऊपर जाने की है, बट यहीं पे ये बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इट इज़ हाईली अनस्टेबल। इस केस के लिए क्या आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ELR इज ग्रेटर देन DALR, ये आपका अनस्टेबल सिस्टम बनाता है हवा का।
तो इससे इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। एक पार्शियली अनस्टेबल अनस्टेबल भी होता है, उसमें एक वेट एडियाबेटिक लैप्सलेट का कॉन्सेप्ट यूज़ जो मैंने आपको बताया था वो यूज़ होता है कि सपोज यहाँ पे ये इतनी हाइट पे जाके ही इसका टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस यहीं हो गया, यहीं पर बारिश शुरू कर देगा। तो इसके बाद जब ये ऊपर जाएगा इट विल नॉट गो एट अ रेट ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इट विल गो एट अ रेट ऑफ से 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, क्योंकि वो हीट रिलीज़ कर रहा है पानी वहाँ पे। तो वो पार्शियली अनस्टेबल स्टेबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो इतना ज़्यादा आपको डिटेल में उसके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ हाउ साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कि बारिश होगी या नहीं होगी। और लैप्सलेट को कैसे मेज़र करते हैं, एक बलून्स आते हैं जिनमें इक्विपमेंट्स लगे होते हैं और बलून्स को डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर भेजते हैं, रीडिंग्स आती रहती हैं, तो उनको लैप्सलेट पता चल जाता है कि 1 किलोमीटर की हाइट पर कितना है बलून के अंदर का टेम्परेचर भी, बलून के बाहर का टेम्परेचर भी। तो वो बलून ही यूज़ करते हैं एयर मास के, एयर पार्सल के तरीके से, कि उसका लैप्सलेट की प्रिडिक्शन कर पाए। तो दिस वॉज अबाउट लैप्सलेट, एडियाबैटिक वेट एडियाबैटिक लैप्सलेट क्या होता है, ये सारा आपको समझाया। आई होप यू विल लाइक दिस कॉन्सेप्ट, इसको अप्रिशिएट करेंगे, एंड इफ़ यू हैव एनी इशूज़ प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू अस। थैंक यू सो मच।